चार तारीख लग चुकी है, तो सभी लोग गुरुजी का बर्थडे मनाते हुए मिलकर गाएंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, 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 happy birthday to you। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, 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 happy birthday to you। सभी लोग दोनों हाथ उठा के मिलकर गाएंगे। हो दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों है, मेरे बालाजी का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, मेरे बालाजी का क्या कहना, मेरे बालाजी का क्या पाठक के तरह चलो।
जय आ रहे। जो रात को सो नहीं पा रहे, जिन्हें नींद नहीं आती, वो जगे हुए नहीं मानना, बीमार है। जगे हुए का मतलब ये है जिसे ना सुख का ध्यान हो ना दुख का भान हो, जो जहां रहे वहां मुस्कुराता हुआ रहे, हर परिस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक रहे, उसी को जगा हुआ कहते हैं। और एक बात हमने बहुत बार बोली, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, गुरु सदगुरु या स्थान या महिमा कभी भी व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलता, मनास्थिति बदलता है। मनास्थिति बदल गई सो परिस्थिति बदल गई। संसार वही है, देखने का ढंग बदल गया। दुनिया वही है, देखने का ढंग बदल गया सो काम हो गया। जैसे कई लोगों का ध्यान, हाँ गुरु जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई कान में कह रहे अरे लगाए पहले समय ऐसे ही है, देखने का ढंग डेढ़ मिनट में बदल जाता है। जैसे कोई कह दे हैं और तो सब ठीक है, गुरु जी पीते पकड़े गए, चाय ना बोले, उतने में ही तुम्हारे देखने का ढंग बदल जाएगा। बस इसी ढंग में तो जो कल तक तुम्हारी निष्ठा थी वो थोड़ा डाउन होगी, फिर एक आध और मिलेगा सो और डाउन, तब तक एक आध वीडियो मिलेगा सो और डाउन, धीरे धीरे तुम्हारी अरे ठीक ही है, देखो बदल गई कि नहीं। हम वही हैं कल तक, लेकिन जो जिद्दा थी वो गई, अब बदल गई। बस गुरु भी यही करता है, क्या करता है, संसार को बुरा करार करवा देता, संसार में परमात्मा को दिखाना प्रारंभ कर देता है। ना किसी से दुश्मनी होती, ना किसी से दोस्ती होती, फिर व्यक्ति जहां भी रहता मुस्कुराता हुआ रहता है। इसीलिए भागना सरल है, जागना कठिन है। क्या कठिन है, जोर से बोलो। हमारे दादा गुरु जी बहुत जागते थे, सुबह 3 बजे उठ जाते थे, 6 बजे उनको टिक्कड़ चाहिए भोजन, 6 बजे सुबह यहीं रहते थे ऊपर झोपड़ी बना के। हम बड़े परेशान, कई बार सोचते थे इतने सुबह कौन खाता है भाई। तो हमने एक दिन पूछा इतने सुबह कौन खाता है, बोले जिसका खाता है। वो भी बहुत विचित्र थे, अब समझ, अब हमारे गुरु तो अपन से तो 20 नंबर एक्स्ट्रा होंगे ही। तो हमने कहा इतने सुबह कौन खाता है, मुस्कुराते बोले जिसका खाता है वही तो खाता है। वो बात भी सही है, एक जने हमें मिले बोले गुरुजी ये बहुत खाता है। अरे उन्होंने कहा जिसका जितना बड़ा खाता उतना ही तो खाता, जिसका जितना बड़ा खाता उतना ही। तो हमने एक दिन ऐसी सहजता में पूछा, आप ऐसा जगते हो क्या, क्या क्या औचित्य है, सोना चाहिए, आप इतना जागते क्यों। बड़ी काम की बात बोली, रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। लाखों करोड़ों लोगों में एकाद है जो जागना सीखता है, प्रायः सोना सब जानते हैं, और सोना सब जानते हैं, सोना और सोना सब जानते हैं, पर बहुत लाखों करोड़ों लोगों में एक होते हैं। और तुम लोग ये मत सोचा करो कि वो नहीं जग पाया, तुम लोग देखते हो नेगेटिव फैक्ट, फलाने का नहीं हुआ, ढिकाने का नहीं हुआ। अरे फलाने का नहीं हुआ, ढिकाने का नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा नहीं होगा। मीरा को कृष्ण मिले, महावीर को मिले, तुलसीदास को राम मिले, तो तुमको भी मिलेंगे, सबरी को राम मिले। तुम इनको देखो जिन्हें मिले हैं, तुम उन्हें देखो, जब उन्हें मिल सकते हैं। तो एक बात और हम तुम्हें बहुत करोड़ों की बता दें, एक सज्जन हमें, एक बहन जी मिली विदेश में रहती हैं, आज आई हमारे पास, उन्होंने प्रणाम किया, गुरुजी क्या सन्यासी बाबा का रूप ऐसा है, हमने देखा, उन्होंने कहा हमसे, शायद कहीं बाहर विदेश में रहती हैं। हमने कहा कि हाँ ठीक है आपने देखा। वह बहुत धीरे से बोले, गुरुजी क्या सन्यासी बाबा सबको दिख सकती है। तो हम उनको तो कोई जवाब नहीं दे पाए, भीड़ बहुत थी, भभूति भर दी, लेकिन हमारे दिमाग में वो विचार चलता रहा। भोजन करते करते हमने भी अपने गुरुजी से पूछा, क्या तुम सबको मिल सकते हो जैसे हमें मिले। तो क्या गजब का जवाब दिया, गुरु तो गुरु होता है, बहुत ऊंचा होता है। मुस्कुराते हुए हमारे ही भीतर बोले, अब और तो कहाँ बोलेंगे, भीतर ही बोलेंगे। हाँ अब बोलेंगे भी, मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी क्यों नहीं मिल सकते। कोई एक ऐसा कारण बताओ कि क्यों नहीं मिल सकते, जब तुम्हें मिल सकते हैं। तो बोले सबको मिल सकते हैं, तुम में ऐसा कौन सा मॉडिफाई नया है कि कुछ अलग सिस्टम डला है, कि पेस मेकर डला है, कि या ब्रह्मा जी ने तुम्हारे 3 कान ठोक दिए। कान कितने, हमका 2,
ऐसे शुरू किया था उन्होंने। हमने कहा क्या आप सबको मिलो, क्या आप सबको मिल सकते हो? तो उन्होंने उत्तर यहाँ से शुरू किया था, कान कितने, हमका दो, नाक हमका छिद्र दो, अच्छा मुंह हमका एक, तो बोले बाकी लोगों के कितने, हमके समान। तो बोले फिर जब तुम्हें मिल सकते हैं तो उनको क्यों नहीं मिल सकते, ऐसा क्या नहीं है कि नहीं मिल सकते हैं? तब हमें फिर बात समझ आ गई, इसलिए हम तुमको भी कहना चाहते हैं कि हमें हनुमान जी की कृपा मिली पर तुमको क्यों नहीं मिल सकती है? हमको हनुमान जी की कृपा मिली पर तुमको क्यों नहीं मिल सकती? तुमको भी मिल सकती है, लेकिन वही गड़बड़ वाली बात है, तुम भागते जागते। और जागना क्या अपने, अच्छा तुम लोगों की एक और बहुत गलत आदत है, कहीं भी जाते हो नीचे देखने की आदत है, नीचे देखते हो, चलते भी हो तो नीचे देखते हो। एक व्यक्ति को फांसी लगी, बहुत ऊंचा महापुरुष था, सिद्ध पुरुष था, नाम बताने की जरूरत नहीं, उसकी नाम बताने से उचित नहीं होगा, वह उसको फांसी लगी, सिद्ध पुरुष था, लाखों लोग उसके अनुयायी थे, तो कोई गलती कर दी वहां के राजा ने, धर्म अरम के कारण फांसी पर टांगना, डेट फिक्स कर दी कि सबके सामने चढ़ाया जाएगा सूली पर, और कोई अगर धर्म का काम करेगा ऐसा ही मारा जाएगा। लाखों लोग खड़े, अब उसे जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया तो वो ठहाका लगा के हंसा, जैसे तुम हंसे वैसे ही ठहाका लगा करके वो महात्मा हंसा। तो जल्लाद फांसी लगाने वाले ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे, मर रहे हो? बोले पहली बार 100,000 लोग कम से कम फांसी के बहाने ही सही, ये निकम में ऊपर तो देख रहा है, पहली बार, जे 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 बड़ा, पहली बार आओ आओ जो हम बता रहे थे। तो भागना सरल है, जागना कठिन है। महात्मा को फांसी लगी, 100,000 लोग अनुयायी उस फांसी को देखने आए, सम्राट ने घोषणा कर दी, और जब वो जल्लाद ने पूछा कि तुम ठहाका लगा के हंस रहे, हंस क्यों रहे, मुस्कुराते हुए महात्मा ने कहा इन निकम्मों को पहली बात ये आदत तो पड़ी के ऊंचे देखने का पड़ा, पहली बार ये ऊंचे देख रहे, हमारी फांसी पर ही सही, कम से कम ऊंचे तो देख रहे, हम लोगों की आदत नीचे देखने की है, पर जब कोई सिद्ध पुरुष या महापुरुष मिलता है तो वो आपकी निगाह को ऊपर उठा देता है। इसीलिए पुस्तकों से बहस की सामग्री प्राप्त कर सकते हो, पर गुरु के पास रहोगे तो तर्क संगत बातें प्राप्त कर सकते हो, और बहस से लड़ाई होगी, तर्क से जीत होगी, पर तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन है? लेकिन आपको तर्क से जीवन में आनंद आने लगेगा। इसलिए हम आपको आज की रात ये कहना चाह रहे हैं कि उत्सव के ही बहाने सही आप जग तो रहे, लेकिन हाँ जागना हम आपको फिर कह रहे, तुम जाग के भागना मत। रात जग रहे, आज 4 तारीख लग गई और तुम इस चक्कर में जग रहे, कल गुरुजी का हैप्पी बर्थडे है, लेकिन हमें तो अपना काम करना है, तुम अपना काम करने आए, हमें अपना काम करना है कि हमारा काम क्या है? हमारा कोई काम नहीं, यही काम है कि तुम जाग जाओ। पर नींद ना आना जागना नहीं है, नींद आए और तुम होश में रहो ये जागना है, नींद आए तुम होश में रहो। बहुत से बार ऐसा होता है कि कई बार तुम लोग सोते हो तो अनुभव करोगे कि टीवी पर कोई गाना चल रहा हो तो तुम वो सपने में देखने लगते, बाहर कोई बातें कर रहे हो तो वो तुम सपने में देखने लगते हो। बस इसी स्थिति को हमेशा प्रभु के पास बनाए रखने को जागना कहते हैं। लेकिन ये संभव कैसे है? ये संभव है अभ्यास से। किससे संभव है? अभ्यास करते करते अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जायते, सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास जब करोगे, देखो हम लोगों की एक आदत है प्रवचन सुन लिए, बोरी फट्टी फटकारी और चल दी, बढ़िया कथा हुई, आनंद आ गया, आनंद आ गया, बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी, नहीं नहीं रसगुल्ला ज्यादा अच्छा था और तो सब ठीक था, थोड़ा एलईडी में कम दिख रहा था, अरे नहीं साउंड ही डिस्टर्ब है थे, बाकी तो ठीक था। अरे भाई तुम रसगुल्ला खाने आए या एलईडी देखने आए या फोटो खिंचाने? कुछ लोग तो अरे बात बन गई थी, पीओ से उन्हें धक्का दे दिया, नहीं तो फोटो खिंचाई गई थी।
अरे भाई ठीक है, श्रद्धा है वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम इतने बड़े स्थान पर आकर लेके क्या जा रहे। माला, प्रसाद, नारियल, ये तो कहीं से भी ले जा सकते हो, फिर बागेश्वर धाम क्यों? बगल के मंदिर में ले जा और चढ़ा के फोड़ के ले आ, ले लो गाई खा। फिर बागेश्वर धाम इतने दूर इतने जंगल में तुम क्यों आए? ना बैठने की व्यवस्था, ना खाने की, ना पीने की, अंधेरा मचा है, धक्का मुक्की यार, कुछ आदमी डरे, कुछ लार टपका रहे, कुछ भूत चिल्ला रहे, तुम यहाँ हैरान पड़े क्यों आ रहे हो? धक्का मुक्की खाए हुए क्यों हैरान बेफिजुली में टेंशन में घूम रहे हो? अटेंशन की जगह तुम टेंशन में घूम रहे हो, काय को दिमाग खराब कर रहे हो? अरे भाई इतनी जगह पर तुम इतनी मशक्कत से आए हो, इतना किराया लगा के, और तुम कुछ लेना जा पाओ तो तुमसे बड़ा उल्लू कौन होगा? कौन होगा? खोजो कोई दूसरा आपसे बड़ा, अपन से बड़ा। अरे भाई इतनी बड़ी जगह पर, ऐसे स्थान पर इतनी मशक्कत से आए हैं, कुछ ले जाओ या ना ले जाओ, अभ्यास करने की कला और प्रभु को पाने का रास्ता जरूर ले जाओ। अब प्रश्न उठता है कि अभ्यास क्या है? प्रश्न उठता है अभ्यास क्या है? अभ्यास है आदत। क्या आदत? जैसे कुछ लोगों को, हम बचपन की अपनी घटना बता रहे हैं, हम पानी पीते थे गिलास से, लेकिन हमारे घर पर, घर के सामने, घर पर क्या, घर के सामने कुछ मास्टर आते थे, शिक्षक, वो पढ़े लिखे थे, तो वो पानी जब पीते थे तो ऊपर से डाल के पीते। तो एक दिन हमको भी ललक लगी कि गिलास ऊपर करके निशाना मारना चाहिए, तो आगे को लगो नाक में घुस गो, फंदा लग गो। तो हमने शिक्षक से पूछा कि सर, मास्टर गांव में सर जी कहते हैं, कहा सर जी आपको एक बूंदनी नाक में गो, हमारा तो आधो गिलास ही पूरो, यहाँ की जगह यहाँ से पीना पड़ा, कुछ नहीं थोड़ा कष्ट जरूर हुआ है, पर आपने कैसे? तब उन्होंने हमें बुलाया पास में, हंसे, हमारी बच्चे ही थे छोटे, तो पटर पटर बातों पे वो मुस्कुराए, बोले पंडित जी ये अभ्यास का कमाल है। तो हमने भी उनसे, रुको ताली बाद में ठोकना, तुम लोगों की यही दिक्कत है, बात भले ही समझ में ना आए ताली जरूर बजाएंगे, क्योंकि जो वक्ता है उसको ये फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि तुमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हाँ। तो हमने पूछा ये अभ्यास क्या है? बोले तुम रोज आदत डालो एक गिलास पानी पीने की, और रोज सुबह से आदत करो, पंडित जी 4-5 दिन में सीख जाओगे। और बड़ी मजे की बात यह है, हम अभ्यास पूर्ण बात बता रहे हैं कि हमने 2 दिन प्रयोग किया और 3रे दिन पूरा पानी हमने एक भी बूंद नीचे गिरे बिना और होंठों पे गिरे बिना पूरा पिया। बस इसी का नाम अभ्यास है, इसका नाम है अभ्यास। ऐसे ही तुम्हें भजन का अभ्यास करना, कुछ दिन मन नहीं लगेगा, कुछ दिन तुम्हें चीटा काटेंगे, कुछ दिन तुम्हें मोबाइल की रील याद आएगी, कुछ दिन तुम्हें पड़ोसी पड़ोसन याद आएंगे, कुछ दिन तुमको भोजन याद आएंगे, कुछ दिन तुम्हें कुछ और, कुछ दिन वासना याद आएगी, कुछ दिन कुछ और। कभी कभी वासना का आना बुरा नहीं है, पर हमेशा वासना का आना बुरा है, तो कुछ 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 दिन ऐसा भी आएगा, तुम उससे घबराना नहीं, आने देना, स्वागत करना। तुम अपना अभ्यास बनाए रखना, अभ्यास बनाए रखोगे, भजन बनाए रखोगे, दृढ़ता बनाए रखोगे, समर्पण बनाए रखोगे, परिणाम जैसे पानी पीने के गिलास के अभ्यास से पानी पीने की कला हमें मिल गई, वैसे ही तुमको जीने की कला मिल जाएगी। जागने का अभ्यास, भीड़ में एकांत का अभ्यास। भीड़ में कुछ लोग मिलते हैं, अरे बहुत भीड़ है, हम तो बहुत डरते हैं, काय को डरते, भीड़ है, अरे ठीक है डरना ठीक है, पर सुनो भीड़। एक जने हमको मिले, महाराज हम तो एकांत में रहना चाहते, एकांत एक आदमी है, हम कहा हिमालय टंग जा, अब आजकल तो वहीं भीड़ जा रही, अब तो केवल चंद्रमा ही एकांत बचो, चांद पर टंगो वहीं एकांत बचो, कि आजकल तो हिमालय में लोग टंग रहे हैं। तो बोले क्या करें? हमने कहा एकांत में जाने का एक ही उपाय है। बोले क्या? हम कहा एकांत में जाने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, एकांत में जाने के लिए भीड़ में एकांतिक होने की आवश्यकता है। भीड़ में एकांतिक हो जाओ, शोर में मौन हो जाओ,
कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं पर भीतर से बकबकाते रहते हैं। ये अभ्यास की कमी है। इसलिए आप लोगों को, आप लोग रात को बैठे हो तो कुछ आपको चिंतन की सामग्री मिले, वो चिंतन की सामग्री यही है कि हमको भागना नहीं है, क्या करना है, जागना है। और जागने का मतलब कुछ नहीं, जागना है। जागने का मतलब आंख खोलना नहीं, अंदर की आंख खोलना है, अंदर की आंख। अच्छा, जगने के फायदे क्या है? पुरानी कहावत है, जो सोवे सो खोवे, जागे सो पावे। अच्छा, पाओगे क्या, फायदे क्या है? फायदे ज्यादा तो कुछ नहीं है, दुनिया को ठीक तरीके से देख लोगे। जो जागता है वो सब कुछ देख लेता है। वैसे तुम भी जाग जाओगे तो दुनिया में सत्य और असत्य क्या है, धर्म और अधर्म क्या है, ये देखने की कला तुम्हारे अंदर आ जाएगी। बस तुम्हारे जीवन में उत्साह आ जाएगा। उत्सव तो चल ही रहा है, उत्सव तो भगवान की कृपा है। तो इस 4 तारीख के उत्सव में आज की रात के सूत्र को तुम्हें याद रखना, जो जाग जाता है वो फिर भटकता नहीं है, अटकता है। क्या करता है? अटकता है, लटकता भी नहीं, लटकता भी नहीं, खटकता भी नहीं, अटकता है। जो वो ना लटकता है ना खटकता है, वह तो प्रभु को पा ही जाता है। दादा गुरुजी सुनाते थे हमारे, अटपट लीला राम की, झटपट समझ ना आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट तरस हो जाए। इसलिए हम लोगों को भागना नहीं है, क्या करना है, जागना है। जागना है वैसे आंखें खोलना, जागना नहीं है, अपितु सत्य और असत्य को जानना ही जागना है। इसी भाव को याद रखो। अब 4 तारीख लग गई है, अब लगाई गई, वो तो जुलाई है, आएगी वो जाएगी, कल चली जाएगी। 4 तारीख कौन सा लंबी टिकने वाली है, इस दुनिया में लंबा टिकने वाला है ही नहीं कुछ, वो भी जाएगी अपने समय पे। तो 4 जुलाई आई गई, बाकी सब लोग वृक्षारोपण भी करें, हम भी करेंगे, केवल उपदेश नहीं देंगे, हम भी करेंगे। क्योंकि कोई लोग नहीं जो तुरंत कमेंट करें, हैं दूसरों को तो ज्ञान दे रहे, खुद कर रहे कुछ, ये भी बड़ी आफत है। तो ये बताना पड़ता है कि नहीं हम भी करेंगे। तो बाकी आप लोग बहुत अच्छे हैं, बागेश्वर धाम आए हैं, आप आए काहे को, बुलाए हैं, हमने थोड़ी बुलाया है, जिसने बुलाया है वो जाने, बालाजी ने बुलाया है। बालाजी तुमको जीवन भर बुलाते हैं। तुम सरदार जी टेंशन ना लो, तुम्हारी टेंशन हम फ्री करवा देंगी, तुम टेंशन ना लो। मोबाइल तुम्हारा चला गया, हम जाने तुम्हारा चित्त तो होता ही धरो, तुम्हें कौन प्रवचन पोसा रहे, हम तुम्हारी टेंशन समझते हैं। खैर, जिसको जो टेंशन हो, किसी को अगर भयंकर गैस लगी हो भाई, किसी को भयंकर गैस का पेट चढ़ा हो, तुम चाहे जितने करोड़ों के प्रवचन बोल दो, वो तो दाव देखता है कि कब छोड़ है। अपनी अपनी मजबूरी है, और थोड़ा ही मौका मिला यार। आवाज ना भी आए चलेगा। सरदार जी का हाल है भाई, कैमरा करो उन पे। हमने तो जागने की कहानी भी सुना दी, कथा करोड़ों के प्रवचन दे दिए, पर भी यही सोच रहा है कि कब है हम आओ। तो अपनी अपनी आप बीती है, चल रही सबके ऊपर अपनी अपनी आप बीती। बोलो जय सिया राम, जय बालाजी की। और क्या सब बोल ही दिया है, हैं? चंगीलाल नहीं बोला आज, सही में नहीं बोला। आप चंगीलाल गुम तो नहीं होगा, वा नहीं बोला होगा। अब हम देख रहे चंगीलाल कहां फंसेगा। अरे और सुरेश दादा, राम राम, क्या हाल है सुरेश दादा? बस तुम्हारी हमने बस लड़की देख ली ब्याह की। हाँ,
कहाँ घूम रहे हैं? हाँ सो तुम्हारा तुम्हें हैप्पी बर्थडे टू यू है सो। अच्छा बच्ची का है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। हाँ हाँ सुरेश दादा राम राम। और आज अपनो हैप्पी बर्थडे है, जय हो। ओ ब्याह को कही हमने कि का विचार है, ताली बज गई। ये लीजिए चंगी लाल। विराजो आसन ग्रहण करो, प्रसाद पालो तुमने, ठीक है पाओ बैठो। कहाँ गए थे घरे? अरे अरे जवाइया चमक रहे, हाँ बहुत अच्छे, बैठ लो आसन लो, सीताराम पहुंचो। कीर्तन नहीं भाव आज होगा? ठीक है जी, आए अंकुश राजा जी, और गाऊ थे भोजपुरी जी, बहुत अच्छो गाऊ, तुम अपने मंजीरा तो दिखा दो एक बार बजा के। हाँ ओ, बजाओ एक 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 बीरभर बजाओ मात्र। बैठ जाओ, रामचंद्र भगवान की जय। जय हो भैया, धन्यवाद, बहुत सुंदर बजा दो। चलो अब आप लोग जो है यहां से खाली करना पड़ेगा, पहले रुको दो मिनट, पहले रजनीश तुम एक बार वो हसीद सुना दो अपनी, इनका एक भजन सुन लें, हम चाय पी लें, इसके बाद में लाइन शुरू, ठीक? अभी जब तक सब बैठे रहे, तुम अभी बहुत अच्छा हंस रहे थे, कुछ और सुना दे, साज और सब, कोई एक अच्छा भोजपुरी डायलॉग सुना दो तुम अपना, जो तुम्हारा प्रसिद्ध हो। अच्छा सही ढंग से सुना दो, और गला भी जाए। हाँ हाँ पहले जाएगा आरा गुड। बोलो बाबा पहले बाबा की, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो दादा गुरु भगवान की, बोलो हमारे गुरुदेव भगवान की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। साधु जी, साधु जी, नमो पार्वती